भवबंधुओं, वर्तमान शासन काल में ब्राजे भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में ब्राजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी महाजिनवाणी का रसपान कर रहे, यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। बंधुओं, यदि आचार्य भगवान ने कहा है कि ज्ञान का मद नहीं करना, प्रमाद को त्यागना है, तो ज्ञान अपने आप आएगा। कहते हैं विद्यार्थी को प्रमाद नहीं और प्रमादी को विद्या नहीं। यदि विद्यार्थी सच्चा होगा तो प्रमाद नहीं करेगा, अपना अध्ययन समय पे करता है, और जो प्रमादी होगा उसे तो विद्या आ ही नहीं सकती। इसी बात को कहते हैं ज्ञानम नाम महारत्नम यन्न प्राप्तम कदाचन संसारे भ्रमरता भीमे नाना दुख व्याधिनी। हे आत्मन, अनेक प्रकार से शारीरिक और मानसिक दुख से व्याप्त भयानक संसार में भ्रमण करते हुए तूने ज्ञान रूपी महारत्न को भी कभी प्राप्त नहीं किया। यदि इस समय यदि किसी पुण्योदय से ज्ञान प्राप्त सम्यक दर्शन सहित जो सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसे प्रमादी होकर इंद्रिय विषयों में मत लगा, प्रमादी मत बन, ऐसा आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय जी में आत्म तत्व की प्रारूपणा करते हुए कह रहे हैं। ज्ञानी जिसके माध्यम से सारे जगत को जाना जाता है, जिसके माध्यम से जगत को पहचाना जाता है, उस ज्ञान गुण पर दृष्टिपात कर। जो भी मित्र है वह तेरा ज्ञान है, जो भी तेरा शत्रु है वह भी तेरा ज्ञान है। बिना ज्ञान के तुम्हें ज्ञान नहीं होता कि जे मेरा शत्रु है, जे मेरा मित्र है। जे बोध किसने कराया? ये ज्ञान ने कराया। ज्ञान वह तेरा ज्ञान है। और जगत में के लोगों ने यूं कहा कि ज्ञान मित्र है, पर ज्ञान को शत्रु क्यों कहा जा रहा है? ज्ञान को मित्र कहा है पर ज्ञान को शत्रु क्यों कहा जा रहा है? विश्वास रखना, चाहे अणुव्रतों का पालन हो, राजेश भैया, डब्बू भैया, चाहे अणुव्रतों का पालन हो, चाहे महाव्रतों का पालन हो, बिना ज्ञान से हो नहीं सकता। चाहे एक प्रतिमा के व्रत पालन करना हो, चाहे दो प्रतिमा के पालन करता हूं, जब ज्ञान जागा, ऐसा विचार आया, तभी तो तुम्हें मन हुआ कि हम आवृत्ति बन के नहीं रहे, वृत्ति बन के रहे। प्रतिमा है क्या? संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। जब तक मन में ऐसी दृढ़ संकल्पता नहीं आती, तब तक आदमी अपने आचरण को व्रतों के द्वारा नहीं पालन कर सकता। यदि व्रतों का वास्तव में पालन करता है तो प्रतिमा लेकर ही सम्यक दृष्टि व्रतों का पालन करता, और मिथ्या दृष्टि को तो ऐसे विचार आ ही नहीं सकते। आप अपने आप को सम्यक दृष्टि ही माने, मिथ्या दृष्टि नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के भाव ही नहीं हो सकते कि मैं व्रतों को अंगीकार करूं, मैं प्रतिमा का पालन करूं। एक कल दादा आए थे, मैंने कि कितनी प्रतिमा है, तो उस वहां से आए थे अनुपम सागर जी के यहां से, कहले महाराज जी हमारी 6 प्रतिमा है। मैंने कि दादा 6 काय को है? हमने कहा कितनी उम्र हो गई? कहने गए हमारी 85 साल की उम्र। मैंने कि तुम तो प्रतिमा नहीं है तुम्हारी, तुम तो आवृत्ति हो। और एक मिनट को उनको ऐसा लगा कि ये महाराज जी क्या कह रहे हैं। मैंने कि हाँ सही बात है,
तुम्हें तो संयम में दोष लग रहा है, मीन की तुम्हारी सातवीं प्रतिमा तो है ही नहीं। कहले महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मेरे संयम में दोष लग रहा है। कहले मैं इन नाती पोतों के चक्कर में रहकर अपनी प्रतिमा का पालन नहीं कर पा रहा। हमने उनके बेटे से कहा तुम्हारे कारण तुम्हारे यदि पिताजी की मृत्यु आ जाए तो वो तो असंयमी होकर चले जाएंगे, संयमी बन के नहीं जाएंगे। वो यहां से कह के गए मैं जाके ही सातवीं प्रतिमा के व्रत धारण करूंगा महाराज जी, अब मैं आवृत्ति रह के नहीं रह सकता। तो तुम्हें ज्ञान कौन करा रहा है? यदि गुरु नहीं होंगे तो तुम अपने सम्यक में दोष लगाते रहोगे, और यदि सम्यक में दोष लग भी रहे हैं तो प्राश्चित किनसे लोगे, शुद्धिकरण किनसे करोगे? बिना आचार्य परमेष्ठ बिना गुरु के तुम शुद्ध हो नहीं सकते। इसी बात को ज्ञान से कह रहे हैं आचार्य भगवान कि यदि ये ज्ञान के माध्यम से ही होता है, यदि अनुपम बना रहे हो तो ज्ञान से बना रहे हो, ज्ञान के माध्यम से ही अनुबंध बना रहे हो और संगार हो रहा है तो ज्ञान के द्वारा, और संरक्षण भी होगा तो ज्ञान के माध्यम से होगा। ज्ञान का उपयोग क्या है? ज्ञान का उपयोग क्या है? निज के ज्ञान की धारा के प्रभाव को निहारो, निहारने की आवश्यकता है। जैसे किसान खेत में पानी देता है तो उसका ज्ञान काम करता है, वो छोटी छोटी नालियों के द्वारा, नहरों के द्वारा खेत में पानी ले जाता है। लेकिन उसका रात में शीत ऋतु हो चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, ठंड में ठुठरता रहता है और पानी को खेत में फैलाता रहता है, किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम। और हाथ में फावड़ा लेता है कि यदि ये नाली फूट गई तो पानी बिखर जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा और मार्ग को भी गीला कर देगा। ऐसे ही ज्ञानी लोग नाली फूट ना जाए और मार्ग में कीचड़ ना हो जाए, मुमुक्षु ध्यान दो, अपनी आत्मज्ञान धारा को प्रवाह मान तो किया, लेकिन कृषक जैसे पानी को छोड़ने के उपरांत पानी को निहारता रहता है, पानी को निहारता रहता है कहीं अन्यत्र तो नहीं जा रहा है। ऐसे ही ज्ञानी तत्व ज्ञानी होता है, कितना ही क्षयोपशम प्राप्त कर ले, किसी पानी की, पानी चारित्र की क्यारी में जा रहा है कि विषयों की नाली में जा रहा है। ये हमें ज्ञानी को अपने ज्ञान से निहारता रहना चाहिए। चरम शरीरी भी होगा तो ज्ञान से होगा और अचरण ज्ञान से ही होगा, और निगोदिया भी होगा तो कभी नरक भी जा सकता है, वो ज्ञान के ही द्वारा जाएगा तो ज्ञान की ओर होगा, और चरम शरीरी होगा तो ज्ञान से ही होगा। एक इंद्रिय जीव उसी पर्याय से नरक जा सकता है क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान नहीं है। और सिंह क्रूर प्राणी होता हुआ जिसका भोजन प्राणियों का कलेवर होता है, रात दिन भोजन करता है तो प्राणियों के पिंड हरण करके मांस का ही भोजन करता है, मांस भक्षे होते हुए भी वो सातवें नरक नहीं जाता। इतनी सातवें नरक जाने की ताकत नहीं है उसमें, और जो सातवें नरक जाते की शक्ति रखता है वो शेर नहीं है। सातवें नरक जाने की शक्ति तो नारियों में होती है, नरों में होती है,